एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबला को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। असल महीने में एशिया कप का इतना ज्यादा फैंस को बेसब्री से इंतजार नहीं है जितना कि पाकिस्तान और भारत के बीच मुकाबले का है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच सानिया मिर्जा ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले से पहले भविष्यवाणी करते हुए एक ऐसी टीम को विजेता बताया है जिसके बारे में जानकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। 2 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमों में दिक्कत खिलाड़ियों की भरमार है। भारत के पास विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल जैसे खिलाड़ी होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, साउथ शकील, शाहिद अफरीदी, हारिस राउफ और नसीम शाह जैसे खिलाड़ी हैं। यह कहना गलत नहीं कि पिछले कुछ मुकाबले जो पीछे हुए हैं उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को कड़ी चुनौती दी है। और इस बार इस चुनौती इसलिए भी खास है क्योंकि यह जंग सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि दो देशों के बीच सियासत को लेकर भी है। इस बीच सानिया मिर्जा ने भविष्यवाणी करी है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस महामुकाबले से पहले मैं यही चाहूंगी कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीते क्योंकि मुकाबला काफी ज्यादा सख्त है। पाकिस्तान की टीम के पास भी खतरनाक खिलाड़ी है जबकि भारतीय टीम के पास भी, लेकिन बीते 4 मुकाबलों की अगर बात की जाए तो दोनों ही टीमों ने 2-2 मुकाबलों में बाजी मारी है। साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप से भारतीय टीम थोड़ी थी पाकिस्तान की तुलना में कमजोर इसलिए है क्योंकि टीम के खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है। फॉर्म में आना टीम के खिलाड़ियों के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी सारे फॉर्म में है। वैसे तो पाकिस्तान देश के अंदर शोएब मलिक ने मेरे साथ धोखा दिया और लगभग तलाक पर नौबत है, इसीलिए मैं अपने मुल्क, अपने वतन को हर हाल में सपोर्ट करूंगी, अपने भारत को चाहूंगी कि वह पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दे। इस तरह से सानिया मिर्जा ने अपना बयान जारी किया। वैसे आप सभी को क्या लगता है कौन सी टीम मुकाबले जीतेगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।